आज हम बना रहे हैं राजमा। और राजमा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो हैं 1.5 कटोरी राजमा, साथ में 2 मीडियम टमाटर और 1 मीडियम प्याज, इसके साथ हरा धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मसालों में मैंने ले लिया है नमक, धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर और देगी लाल मिर्च पाउडर। राजमा मैंने रात भर भिगो के रखे थे, तो सुबह इन्हें मैंने स्ट्रेन किया है और अच्छे से धो के अब हम इसे बॉईल करेंगे। यहाँ टमाटर और प्याज की जो है वो हमने प्यूरे बना ली है। सबसे पहले यहाँ कुकर में मैं जो हमारे राजमा है वो डाल रही हूँ और इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी पानी। यहाँ पानी मैंने इतना डाला है कि राजमा जो है वो अच्छे से इसमें डिप हो गए हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी नमक और बस अब हम कुकर को बंद करेंगे और इन्हें 5 से 6 सीटी आने देंगे। अब पैन में यहाँ मैंने ले लिया है ऑयल और साथ ही मैं 1 चम्मच घी भी इसमें ऐड कर रही हूँ और जब घी थोड़ा गर्म हो गया है तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ जीरा। और जीरे के साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्च और साथ ही में मैं ऐड कर दूंगी इसमें हींग। इंग्रेडिएंट्स में मैं हरी मिर्च और हींग बताना मिस कर चुकी हूँ, तो आप ध्यान रखें कि इसमें हरी मिर्च और हींग भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो बस अब इन्हें अच्छे से हम थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे अनियन की प्यूरे। तो इसे 1 मिनट हम ऐसे ही भुनने देते हैं। और अब हम ऐड कर देंगे हमारे अनियन की प्यूरे। और इसे हम भुनने देंगे। अब राजमा रेसिपी, जो स्वाद राजमा रेसिपी है, उसका एक सीक्रेट फॉर्मूला ये है कि जो आप मसाला भून रहे हैं उसे अच्छी तरह भूनिए। जितना मसाला अच्छे से भुनेगा उतना ही राजमा का जो स्वाद है वो निखर के आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो अच्छे ब्राउन हो गए थे और इस स्टेज पे इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट हम अच्छे से इसमें भुनने देंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी प्याज में जो है अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ टोमेटो प्यूरे, इसे हम मिक्स करेंगे और इन्हें हम तकरीबन 2 से 3 मिनट ऐसे ही भुनने देंगे, जिसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सूखे मसाले। तो चलिए 2-3 मिनट इन्हें अच्छे से हम भुनने देते हैं। तो तकरीबन 2.5 से 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ मैं ऐड करूँगी सारे ड्राई स्पाइसेस। तो इसमें सारे मसाले जो है मैंने ऐड कर दिए हैं, साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ अब हमें 10 से 12 मिनट इन्हें जो मसाला है उसे अच्छे से भुनने देना है। आप जो फ्लेम है वो मीडियम, लो टू मीडियम रखें, बहुत तेज़ आंच पे इसे मत भुने और 10 से 12 मिनट इसे हम अच्छे से अब भुनने देंगे। तो चलिए जब तक हमारा मसाला भुन रहा है यहाँ मैं चेक कर लेती हूँ राजमा, तो देखते हैं कि हमारे राजमा गल गए हैं या नहीं।
तो चलिए फोक से चेक कर लेते हैं कि हमारे राजमा गल गए हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, हमें चेक कर रही हूँ और यस, हमारे राजमा जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। तो बस इन्हें मैं साइड में रख दूँगी और हम बस वेट करते हैं हमारा मसाला जो है अच्छे से भुनने का। तो लीजिए, मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है। यहाँ तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए थे मुझे मसाला भुनते हुए, और अब इस मसाले को हम राजमा में ऐड कर देंगे और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लें। इस स्टेज पे यदि आपको लगता है कि आपको तरी थोड़ी और चाहिए तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ हम इसे एक से दो बॉयल आने देंगे। मुझे यहाँ पानी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं यहाँ पानी थोड़ा ऐड करूँगी, क्योंकि इन राजमा को मैं एंजॉय करने वाली हूँ राइस के साथ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया है और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि मैंने पानी ऐड किया है तो मैं यहाँ इनको एक से दो सीटी और दिलवाऊँगी। तो हम कुकर को बंद करते हैं और एक से दो विसल आने तक हम इन्हें दोबारा पकाएंगे। तो यहाँ दो विसल के बाद मैंने कुकर बंद कर दिया है और इसकी अब मैं स्टीम निकाल रही हूँ। और जी हाँ, कुकर मैंने खोला है और हमारी राजमा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं और अच्छे से राजमा पक चुके हैं हमारे। तो यहाँ मैं हल्के से इन्हें मैश कर दूँगी। बहुत ज़्यादा आपको इनको मैश नहीं करना है, बस हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा आप इन्हें मैश कर दीजिए। और इस स्टेज पे बस अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। यहाँ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है पहले, इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी धनिया के पत्ते। और थोड़ी सी कसूरी मेथी। और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और राजमा बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए जल्दी से हम कर लेते हैं राजमा की प्लेटिंग। तो लीजिए, राजमा बिल्कुल तैयार हैं और मैं बिल्कुल रेडी हूँ इन्हें खाने के लिए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप ज़रूर इन्जॉय कीजिए। And if you like the recipe, then do like, share and subscribe my channel.